नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप बिहार का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज देख रहे हैं। बेगूसराय के रोमांचक रण की अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इस वक्त का अपडेट है कि महागठबंधन के दावेदार तनवीर हसन ने भी नॉमिनेशन भर दिया है। महागठबंधन की ओर से राजद के टिकट पर तनवीर हसन बेगूसराय के उम्मीदवार बनाए गए हैं और उनके रैली की तस्वीरें देखिए, ये उनकी नॉमिनेशन रैली है जिसमें आपको महागठबंधन के हर पार्टियों का झंडा देखने को मिलेगा। कोई घोड़े पे सवार है तो कोई हाथ में झंडा लिए तनवीर हसन जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तनवीर हसन ने अपना नॉमिनेशन सौंपा है। वहां की भी तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इससे पहले बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने भी नॉमिनेशन भरा, जिनके नॉमिनेशन रैली में भी जनसैलाब उमड़ा था और अब तनवीर हसन की भी रैली में खूब भीड़ जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और बेगूसराय का रण जो त्रिकोणीय है वो और भी रोमांचक होते जा रहा है, क्योंकि तनवीर हसन जब पिछले बार यहाँ से चुनाव लड़े थे तो उन्हें लगभग 3,90,000 वोट मिले थे। इस बार सामने गिरिराज सिंह हैं और कन्हैया कुमार भी हैं। कन्हैया कुमार कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, कितने लोगों को लुभा पाते हैं, यह भी देखना होगा। लेकिन गिरिराज सिंह की नॉमिनेशन रैली की भीड़ देखकर तो हाल बहुत हद तक साफ नजर आ रहा है। गिरिराज सिंह भाजपा के केडर्स को मजबूत करने में लगातार लगे हैं। महागठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं, वो तनवीर हसन के साथ खड़े हैं। सीबीआई के कैंडिडेट कन्हैया कुमार भी युवाओं और गरीब लोगों से लगातार मिल रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में आए। बिहार समेत झारखंड के पल पल के अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।